तो नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, हम बुकों के बारे में बात करने वाले हैं कि हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो दो बुक हमने मंगाई हैं और अभी आज और कल में आई हैं, तो दोनों बुक को देखेंगे कौन सी बुक बेस्ट है। और जो आपको मैं दोनों के बारे में बताऊँगी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तो जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले लेना, ठीक। और हम इन बुक्स के जो PYQ हैं वो भी आपको करवाएंगे, और कुछ कुछ और बुक के भी PYQ करवा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। तो पहले हम बुकों की तरफ बढ़ते हैं, आप कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, ठीक। तो कि अगर आप ये समझ रहे हो कि इन बुक से कोई मेरा कमीशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है। बस मैं आपको बुक्स, आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो अपना कंटेंट बनाया था वो किसी बुक से नहीं है और वो इन बुक से बेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मैंने अभी आपको इसमें कंटेंट दिखाऊंगी, तो उन बुक से बेस्ट कंटेंट बनाया था हमने। सभी के जो हॉस्टल वार्डन में नियम होते हैं उनको जो सिमिलर था, क्योंकि इसकी कोई वेबसाइट पे दिया तो नहीं था, EMRS हॉस्टल वार्डन की एकलव्य जो विद्यालय है इसकी वेबसाइट पर हॉस्टल वार्डन के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं दिए थे, लेकिन जो सिमिलर्स हैं हमने उससे मिलकर ये कॉन्टेंट बनाया था। काफ़ी मेहनत लगी थी इसमें, तो इस बुक का भी कॉन्टेंट मैं आपको दिखा दूंगी। और अगर आप ये सोचें कि इससे मुझे कोई कमीशन मिल रहा है, तो मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे किस बुक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए किस बुक की PYQ कौन सी बेटर होगी। अब अभी जो बुक्स हैं ये भी अभी आना स्टार्ट हुई हैं, इससे पहले तो कोई मार्केट में बुक भी नहीं थी, तो मैं आपको उन बुकों की तरफ ले चलती हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसी हैं ये बुक। फर्स्ट जो हमारी बुक है ये हमारी स्टडी बुक है, और राष्ट्रीय आदिवासी EMRS आप देख सकते हैं इसका, ठीक। ये हमारी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है, ठीक। और देख लेते हैं इसका रिव्यू। जो आपका सिलेबस है वो सब दे रखा है, देखिए सामान्य अध्ययन में सब दे रखा है, प्राचीन और ये मध्यकालीन, ठीक। और ये सारी चीज़ें, ये आपका इंडेक्स है। इसके बाद जो आपका विश्व भूगोल, पर्यावरण, परिस्थिति, राज, ये सभी आपका किसमें दे रखा है, सामान्य विज्ञान में दे रखा है। फिर आपका विविध में दे रखा है, खेलकूद में, ठीक। तार्किक अभियोक्ता में आपकी ये सब दे रखे हैं, और ये तो सर भी करा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन काफ़ी बेटर है, अभी आप देख लीजिएगा। और कंप्यूटर में ये दे रखा है, कंप्यूटर सामान्य हिंदी, और ये सामान्य हिंदी का दे रखा है इसका सिलेबस। इसके बाद आपका जर्नल इंग्लिश में दे रखा है ये सब, और फिर आपका ये भारत सरकार के बच्चों के पॉक्स जो मैंने कराए थे, और प्रशासनिक योग्यता वो सब दे रखी है। देखते हैं अब क्या इसमें कैसा किस तरह का दे रखा है मटेरियल। ये प्राचीन भारत का जो मटेरियल है वो इस तरह का दे रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब, आधुनिक इतिहास, ये काफ़ी बड़ी बुक है ये, लगभग क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसमें आप देख सकते हैं, ठीक। फिर भारतीय संस्कृति, अच्छा ये लोग तो ये सब तो आप देख ही लीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ ज़रा, क्योंकि ये तो अन्य बुकों में भी काफ़ी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन आपको चाहिए वो क्या है, वो मेन आपको है जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और लगभग ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर, कंप्यूटर देख लेते हैं इसका कंप्यूटर कैसा दिया हुआ है। कंप्यूटर ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है इसका, ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर मुझे इसका सही लगा है थोड़ा, और ये इसका कंप्यूटर का है बहुआयामी, और इस तरह से डिफाइन कर रखा है, ठीक। चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे समझा रखे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और मेनली ज़्यादातर इसी तरह समझाया जाता है। ये आपका प्रिंटर, नेक्स्ट ये आपका सारा क्या है, कंप्यूटर का पोर्शन देखा। कंप्यूटर मुझे इस बुक का ठीक लगा है, मैं सही बताऊँ तो बाकी और जो स्टार्टिंग वाले पोर्शन होते हैं वो तो आपको और भी बुकों से मिल जाते हैं। जो मेन है वो क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और हिंदी भी दे रखी है इसमें, हिंदी पूरा आदिकाल इतिहास वगैरह दे रखा है इसमें, जबकि इतना बोला नहीं गया, क्योंकि इतिहास वगैरह कहाँ बोला गया आपका। रचनाएं भी दे रखी हैं इसमें, लेकिन रचनाएं भी नहीं बोली। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेबस को देख करके, ठीक है। वेबसाइट पर आपको सिलेबस दे रखा है, तो जो बुक में दे रखा है सब कुछ नहीं याद करना आपको। अच्छा, जो आपके कुछ गद्यांश वगैरह भी दे रखे हैं, हाँ आपके जो ये है
जो सिलेबस तो है, क्योंकि जो दो हिंदी आ रही है, एक तो आपकी ऑप्शन में लेंगे वो वाली, दूसरा एक और हिंदी अगर आप चूज़ करते हैं लैंग्वेज में, तो उसके लिए ये हैं ये शब्द, गद्यांश वगैरह, और जो वो थी क्या नाम है रचाएं, उसके लिए थी वो, कि कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है जो आपके पेपर में एग्ज़ाम में आएंगे, ये आर्टिकल्स दे रखे हैं, ये सभी हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। सही है ये इतनी, पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मैं बताऊंगी क्यों आखिर। क्योंकि देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी ये बुक लगभग, अब अच्छा अब यहाँ से हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया था ये पॉक्सो अधिनियम वाला, मैं इससे बता देती हूँ आपको। तो जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का ये दे रखा है, ठीक, ये इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप देखिएगा धारा नहीं दी हुई है, और मेन क्या है, धाराएं, धाराएं ज़्यादा नहीं दी हैं कि किस में धारा ये बोला गया है, मेन धाराएं होती हैं, और बहुत ही विस्तृत में दे रखा है ये। विस्तृत में तो मैंने आपको समझा ही रखा है, पीडीएफ मैंने आपको दे ही रखी है पीडीएफ में, हमको किस में चाहिए शॉर्ट में मिल जाए, और धाराएं भी दे रखी हूँ। जैसे अभी ये बोल दिया बाल विवाह अनुष्ठान का संवर्धन करने, उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड, तो धाराएं तो बतानी थी, है ना, 11 बोल रखा है इसमें बस। फिर ये पॉक्सो से अधिनियम ये दे रखे हैं, ये सीधे बुलेटिन पॉइंट में दे रखे हैं, ये बुलेटिन पॉइंट में दे रखे हैं सीधे, धाराएं नहीं दी हुई है, मुझे इसलिए थोड़ा खास नहीं लगा। देखिए आप इस नियम को पढ़िएगा, अब ये 2020 का बालकों का संरक्षण 20 है, ठीक, इसे देखिए, इसमें भी नहीं लिखी हुई है, सीधे सीधे बातें लिख दी गई हैं, और जबकि आपके पेपर में धाराओं से आएगा क्वेश्चन, इसलिए मुझे ये वाला पोर्शन इसका अच्छा नहीं लगा। बाकी कंप्यूटर मुझे इस पोर्शन का, इस बुक का अच्छा लग रहा है, और हिंदी वगैरह तो आप देख ही चुके हैं इसमें कैसी है, ये अधिनियम बाल बाल अधिकार अधिनियम ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें धाराएं बहुत ही कम दी हैं, यहाँ पर दी हुई है 236A, यहाँ पर कुछ धाराएं दी हुई है, बाल नीति है ये हमारी, बाल नीति में तो क्या ही धाराएं होंगी, इसमें कोई धाराएं नहीं होती हैं, और ये हमारा बाल मृत्यु दर ये सब इसमें दिया हुआ है, लिंगानुपात, ठीक। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के लिए वो बहुत कम दिए हुए हैं, केवल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 10 क्वेश्चन से क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, पूरे पॉक्सो में से केवल 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और ये प्रशासनिक योग्यता है छात्रावास का, इसका तो एक अलग ही लेवल का इसमें ये दिया हुआ है, ये देखिए आप आधुनिक, ये लगभग कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, छात्रावास प्रबंधन ये सब दिए हुए हैं, वार्डन की कार्य शक्तियाँ, सलाहकार समिति वगैरह, बेसिक ही है जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया था वही है ये, और जबकि कोई उस टाइम पे बुक नहीं थी, फिर भी हमने खोज खोज करके, मतलब काफ़ी टाइम लगा था तब कहीं जा करके बना था वो, क्योंकि सब वही है, छात्रावास समिति, छात्रावास समिति अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया, मैस समिति कार्य, ये सब इसमें इस तरह दिए हुए हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं रैगिंग का खतरा ये सब दिए हुए हैं इसमें, और क्वेश्चंस जो हैं लगभग इसके भी बहुत ही कम है, लेकिन केवल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए, तो ये वैसे पढ़ने के लिए तो मुझे लगा ठीक होगी, लेकिन पढ़ने के लिए भी इसका साइज़ अगर आप देखेंगे तो लगभग इतनी मोटी है ये, तो आप इतनी है ये लगभग, तो ये हमारी जो फर्स्ट बुक है हमने देखी है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, प्रैक्टिस के लिए ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इससे आपको अच्छी लगे तो। ये के बाद जो दूसरी बुक है उसे हम देख लेते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो बुक है ये सब आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी, तो इसे देख लेते हैं आप, प्रैक्टिस के लिए मुझे ये बेहतर लगी, इसकी तो मैं कुछ अच्छाइयाँ भी मैं काफ़ी बताऊंगी, मुझे अच्छी लगी ये वाली बुक ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये अधिनियम और ये वाला जो पोर्शन है हम पढ़ चुके हैं, और ये भी आप लोग कहीं से तैयारी कर रहे होंगे या पहले पढ़ चुके होंगे या अभी हम कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों की भी, तो इसमें क्या है, आप लोगों को ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो शॉर्ट में आपको ज़्यादा नॉलेज देते, और साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, देख लेते हैं अब हम पहले इतिहास में इसमें क्या दे रखा है, ये हमारा इतिहास हो गया, देखिए इसमें सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस मुझे अच्छा लगा कि सिलेबस दिया हुआ है, और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक, इस सब के सिलेबस दिए हुए हैं, उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, रीजनल देखिए लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी में तो आप जो
लैंग्वेज ये वाली मिलेंगी, इसमें तो आपको केवल यही आना है, इसका कोई वो नहीं आना है। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी बेसिक ग्रामर ऑफ सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन और एटहाइरी सेकेंड लेवल इन लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है ये। लेकिन उस पुरानी बुक में जो इतिहास वगैरह सब बताए रखे थे वो नहीं है, क्योंकि आप दे सकते हैं केवल हाई स्कूल लगभग की तक बताया गया, और ये सब ईटीसी हो सकता है ईटीसी में आ जाए, लेकिन बेसिक इसमें यही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि कैसा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इतिहास में इंडेक्स में देख लेते हैं हम, हड़प्पा और इन सब के बारे में बताया हुआ है, जो आपका सामान्य ज्ञान है। उस समय इतिहास दिखाया गया है इसमें, वैदिक में दिखाया गया है इसमें, ये आपका पूरा इतिहास है लगभग, ये आपकी सल्तनत प्रशासनिक है, मुगल, ये मुगल से संबंधित है, ये किसान मजदूर और ये हैं। अब ये प्राचीन इतिहास इसमें अच्छा लगा है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये मुझे बुक बहुत बेटर लगी है। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिए जैसे ये सेकंड शिफ्ट में आया है DSSB पार्ट 3 में, तो बोला है कौन सा शहर सिंधु घाटी का हिस्सा था हड़प्पा, तो ये क्वेश्चंस टाइप में बेस में दे रखी है। अगर आपको थ्योरी टाइप में पढ़नी हो तो आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस टाइप में पढ़नी हो तो आप इससे पढ़ें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के दे रखे हैं, जिनके आने के चांसेस काफ़ी काफ़ी होते हैं, प्रैक्टिस करनी है तो आप इसे कर सकते हैं। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी, राज व्यवस्था में भी दे रखा है, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान में आपका सब कुछ है इसमें, पॉलिटी और व्यवस्था सब ठीक। अब देख लेते हैं हम आगे की ओर वन बाई वन करके। ये आपका 3 में भूगोल आ गया, भूगोल में दिया हुआ है ये देखिए इस तरह, विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी दे रखे हैं। फिर इसीलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी कि अगर देखिए आपका जो पेपर है वो लगभग TGT PGT और इनसे संबंधित है, हॉस्टल वार्डन से संबंधित, और आपके में क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड आएंगे, तो इस बुक में क्वेश्चंस भी इन्हीं से रिलेटेड दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसीलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी आप लोगों के लिए। अगर आपको डीपली मतलब वैसे पढ़ना है थ्योरी थ्योरेटिकली तो आप इससे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस करने तो आप इससे ही करिएगा। ये सामान्य विज्ञान जनरल साइंस दे रखी है, ये केमिस्ट्री इसी तरह सब में ये दे रखी है। बढ़ते आगे की ओर हम, इन्वायरमेंट भी है आपके में, जो जो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए अच्छा अब हम अपने पोर्शन ये देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, रीजनिंग में आपके सर भी प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए, जो PY के होंगे उनकी प्रैक्टिस तो आपको सर करवा देंगे, अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं हो मतलब इतना वो नहीं है आपका एस्टिमेट, तो PYQ उसमें प्रैक्टिस करवा देंगे, वैसे तो करा ही रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी, वेन डायग्राम, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है आपका, कंप्यूटर भी इसमें मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सही दे रखा है। ये देखिए ये कंप्यूटर है इसका, वैसा ही है ज़्यादातर बुक में, क्या अंतर आएगा, बस अच्छा इस बुक में मुझे ये लगा है इसमें जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा है इसमें, और समझाया भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि समझाया बेकार हो। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो परचेज करिए, मैं दोनों बुक आपको दिखा चुकी हूँ, ये लगभग हमारा इससे संबंधित है। ये देखिए ये एब्रीवेशन दे रखी है हमारी, ये सब जो आपको याद करनी होंगी, जो आपके एग्जाम में दी हुई है एब्रीवेशन ठीक। आगे चलते हैं हम, ये टेंसेस दिए हुए हैं, इंग्लिश का पोर्शन है ये, और प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेटर बुक है ये, आप इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब जी भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितना मन करे आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे पढ़ने के बाद, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं लगभग, KVS पार्ट 2, म्यूजिक, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं वो सब दे रखे हैं ये। ये देखिए समास, ये हिंदी का पोर्शन है, ये भी देखिए ये क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, ये आपके इमाम बगल में दबाना, ये सब सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं शिफ्टों में वो दे रखे हैं, यहाँ पे भी इस पेज पे भी इसी तरह दे रखे हैं। अच्छा अब अपना पोर्शन देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वो कैसा दे रखा है। देखिए उस बुक में क्वेश्चंस सारा पढ़ाने के बाद केवल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, इस बुक में हर एक पार्ट को पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
तो मुझे यही अच्छा लगा इसमें, तो ये हमारा बाल पूरा समझा। अच्छा एक चीज़ और अच्छी लगी जो मैं आपसे बोल रही थी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने, शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, वो इस बुक में दिए हुए हैं और इसी में आपको समझा देती हूँ कि आप लोग कैसे बनाएंगे। जैसे हमने ये पढ़ा है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, तो बोला गया है 86 में संख्याएं 61 है, स्वीकृति भी दे रखी है, प्रवर्तन तिथि भी दे रखी है, बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, इसे आप याद कर सकते हैं। जो मैंने डीपली पढ़ा है, अगर आपको कहीं शॉर्ट में समझ में ना आए तो आप उस PDF से जाके पढ़ लीजिए। जैसे धारा एक में दे रखा है संचित नाम, सब देखो पेपर में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, हम देख चुके हैं किस तरह के PYQ आ रहे हैं। धारा सीधे बोल दे रहा पतन अधिकारी जो है किसमें व्याख्या की गई है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बोला गया है धारा हमारी 7 जो है 2 का 7 उसमें दी गई है, तो इसमें पूरा व्याख्या की गई है, इसीलिए मुझे ये बुक बेटर लगी। पुरानी वाली बुक में इस तरह की व्याख्या नहीं थी, आपने देखा होगा धाराएं नहीं दी हुई थी, और फिर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इससे रिलेटेड, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाऊंगी, और क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब, और रही शॉर्ट नोट की बात, तो मैं इनकी PDF जो शॉर्ट नोट है मैं आपको भेज दूंगी, इसी तरह आपको याद करना है। ये जो शॉर्ट PDF है ये इन्हीं को आपको लिखना है, याद करना है, वो बड़ी बड़ी PDF को आप उन्हें समझ लेना उनमें से, लेकिन उन्हें लिखना मत, उन्हें उनसे नोट्स मत बनाना, बनाना तो शॉर्ट नोट करके बनाना अपने दिमाग से, ठीक है। इस तरह शॉर्ट नोट बनाए जाएंगे जो कि इस बुक में बहुत ही अच्छी तरह से दे रखे हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है आप सीधे इस बुक को उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। ये देखिए अनैतिक व्यापार अधिनियम निवारण 1956 का दे रखा है, देखिए राष्ट्रपति की अनुमति ये सब दे रखा है, कब लागू हुआ 2A(f), जितनी भी धाराएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं 13, 14, 18 सब धाराएं दी हुई हैं इसमें। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पोर्शन पहले ही, तो आपके लिए बुक मुझे लगा बेटर होगी। फिर इसके बाद जो आपकी बुक है वो है, अच्छा इसके बाद ये आपका पूरा पोर्शन है जन्म के समय लिंग अनुपात। अब ये जो आपका इसमें पोर्शन दिया हुआ है ये हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, ये आपको दिया गया है, तो ये भी इसमें सही दिया हुआ है, और भाई हम भी पढ़ा चुके हैं इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम तो ये पोर्शन, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी काफी सारे दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, देखिए ये तो ये क्वेश्चंस आपके सर भी करा देंगे, नहीं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, सर कराएंगे इन सबको क्वेश्चन को, क्योंकि पढ़ा चुके हैं वो सारे बुकों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करा देंगे आपको, इसके PYQ तो हम करा ही देंगे आपको, ठीक है। और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ बॉक्स, और सर भी पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, तो ये बुक मुझे इसीलिए बेटर लगी। तो ये दो बुक हमने देखी, आपने देखा होगा एक हमने देखी अग्रवाल एग्जाम का घाट वाली, ठीक आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बुक जो देखी है वो हमने यूथ कंपटीशन टाइम की देखी है, और दोनों बुक का जो साइज़ है वो लगभग इतना है, देख लीजिए ये बुक हमारी लगभग इतने साइज की है, और जो ये वाली बुक है ये लगभग इतने साइज की होगी, ये थोड़ी हैवी है इंच वाली, और जो क्वेश्चंस थे वो यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली में थे। और मुझे आशा है आप लोगों को जो भी अच्छी लगे बुक, इसमें से हम दोनों देख चुके हैं, PYQ इसमें ज़्यादा है और शॉर्ट में इसमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा डीपली दिया है, PYQ कम है, और मटेरियल मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मेरी जो पर्सनल होगी वो आप देख लीजिएगा, मैंने बता चुकी हूँ इसमें से जो भी अच्छी लगे आप वो परचेज कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।